नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल माइनू ऑनलाइन टेक पर। दोस्तों वीडियो SBI CSP रिलेटेड है और आपसे गुजारिश है आप वीडियो को बिना स्किप के शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों इस वीडियो में आपको जो है एक बड़ा अपडेट देने जा रहा हूँ जो SBI CSP अकाउंट ओपनिंग रिलेटेड है। हम लोग जो अकाउंट खोलते हैं चाहे वो नॉर्मल अकाउंट हो या इंस्टेंट अकाउंट हो उसके रिलेटेड है। दोस्तों हम सभी को ये बात पता है कि हम जब अकाउंट खोलने जाते हैं कस्टमर के दो डॉक्यूमेंट अभी जरूरी जो डॉक्यूमेंट है वो हम मांगते हैं, आधार कार्ड और पैन कार्ड। और हमें ये भी पता है कि आधार और पैन के साथ लिंक होना जरूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको आज बताऊंगा कि आधार और पैन लिंक होना कंपलसरी नहीं है अभी के डेट पर। दोस्तों हम सभी ने बहुत दिन से जो है अकाउंट खोल रहे हैं तो अकाउंट पहले भी ऐसा ही था कि आधार और पैन के साथ लिंक अनिवार्य नहीं था, जरूरी नहीं था, तो हम ऐसे अकाउंट खोलते थे। अगर पैन के साथ आधार के साथ पैन लिंक हो या ना हो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन कुछ दिन पहले से जो है वहां पे हमें एक इरर देखने के लिए मिलता था कि जब भी हम अकाउंट सबमिट करते थे लास्ट में देखने के लिए मिलता था पैन नॉट लिंक विथ आधार ऐसा, या तो आधार नॉट लिंक विथ पैन करके ऐसा इरर आता था जिसके तहत हम कस्टमर का अकाउंट खोल नहीं पाते थे। उस पर जो है पहले आधार और पैन के साथ लिंक करना पड़ता था। तो उसी सिस्टम पे हम सभी के माइंड में एक बार सेट है कि कस्टमर आने के बाद पहले हम लोग ई फिलिंग पे जाते हैं और चेक करते हैं आधार और पैन लिंक है कि नहीं। अगर लिंक नहीं है तो आज की डेट पर हम लिंक कर देते हैं जो कि फ्री है, कोई चार्जेबल नहीं है और उस लिंक होने में 24 आवर्स लग ही जाता है। तो एक ही दिन लग ही जाता है, आज अगर लिंक करते हैं तो कल तक वो लिंक हो जाता है। कस्टमर को हम परसों बुलाते हैं कि आपका आधार और पैन कार्ड सर लिंक नहीं था, परसों आइए, हम लिंक कर दिया अभी, या तो कंप्यूटर दुकान से लिंक करवा लीजिए, उसके बाद में परसों आए। तो कस्टमर को इस तरह से वापस कर देते थे या तो अभी तक वापस करते आया। लेकिन अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको वापस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आधार और पैन के साथ लिंक होना अभी जरूरी नहीं है। विदाउट लिंक, आधार और पैन लिंक नहीं है, फिर भी आप अकाउंट खोल पाओगे। आज मैं एक अकाउंट खोला जो सक्सेसफुली जो है जनरेट हुआ है, अकाउंट फॉर्म भी हमने प्रिंट आउट किया है और वो पहले मैंने ई फिलिंग पे चेक किया कि आधार और पैन के साथ लिंक है कि नहीं, वो नहीं था। तब मैंने सोचा सर्वर जो इतना अपडेट हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, मे भी हो सकते हैं ये भी चेंज हुआ होगा, एक बार ट्राई करके देखते हैं। मैंने ट्राई करके देखा तो वो सबमिट हो गया इंस्टेंट अकाउंट। तो वीडियो में आपको यही बताना था कि आधार पैन लिंक हो या ना हो आप अकाउंट खोल सकते हैं और साथ ही साथ आप कस्टमर को ये भी सर्विस दे पाएंगे कि आधार पैन को ई फिलिंग में जाके लिंक भी कर दीजिए ताकि कस्टमर का आधार पैन लिंक भी हो जाए। अभी फ्री चल रहा है, मे भी हो सकता है फ्यूचर में फिर से पहले जैसे चार्ज लगेगा 1000 या 500 कुछ पेनल्टी लगेगा। तो अगर कस्टमर आते हैं तो लिंक नहीं होने पर भी आप लिंक कर दो और साथ साथ अकाउंट भी खोल दीजिए, उसी दिन अकाउंट हो जाएगा, लिंक की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो से जो है जानकारी मिला है। तो वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को सभी ग्रुप्स पर शेयर करना। आज के वीडियो में यही था, तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।